हाय फ्रेंड, अभी मेरे पास जियो का F10Q मॉडल है और इस मॉडल में हार्ड रीसेट करना थोड़ा सा टफ है। आप इस मॉडल में जो है इजी हार्ड रीसेट नहीं कर पाओगे क्योंकि इसका हार्ड रीसेट का तरीका अलग है। तो अगर आप हार्ड रीसेट करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। तो वॉल्यूम अप डाउन की और पावर की, इन तीनों की को आपको एक साथ प्रेस करके रखना है और जब भी ऑन होता है तो सिर्फ पावर की को आपको छोड़ना है और बाकी जो दो की है उसको आपको प्रेस करके रखना है। तो कुछ देर के बाद आपके डिस्प्ले पे चाइनीज़ लैंग्वेज में बहुत सारे ऑप्शन आ जाएगा जो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो जैसे कि आप देखिए, चाइनीज़ लैंग्वेज में बहुत सारे ऑप्शन इसमें आ गया। ओके, तो अब क्या करना है, ये जो मिडिल में जो चार की है उसका जो राइट वाला की है यानी कि राइट की को प्रेस करना है और कोने पे आना है। और जब भी ये सिलेक्ट होगा तो ब्लू कलर शो करेगा, जैसे कि आप देख सकते हो। तो अब देखिए कोने में आ गया। ओके, और इसको अभी ओके करना है यानी कि सिलेक्ट करना है, उसके लिए मिडिल का जो की है इसको प्रेस करना है। तो अब देखिए और चार ऑप्शन ऊपर वाले इसमें आ गया, चार ऑप्शन आ गया। तो फिर से आपको नीचे में आना है जिसके लिए आपको राइट वाला की जो है उसको प्रेस करना है और देखिए नीचे वाले ऑप्शन पे आना है। और उसके बाद इसको सिलेक्ट करने के लिए फिर से आपको मिडिल वाला जो की है, मिडिल का की को प्रेस करना है। तो अभी मिडिल की प्रेस करने के बाद आपको क्या करना है, ये देखिए लेफ्ट वाले जो की है यानी कि कॉलिंग की का जो ऊपर में जो की है इसको प्रेस करना है। तो यहाँ पर जो है हार्ड रीसेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद अगर कुछ ऐसा इंटरफेस आता है तो आप सिर्फ रिबूट सिस्टम कर दीजिए। तो मैं पावर की को प्रेस करके इसमें रिबूट सिस्टम कर देता हूँ। तो आपको इस तरीके से जो है F10Q मॉडल को हार्ड रीसेट कर लेना है।